सबसे पहले मेरे चैनल एंजल टिप्स फॉर ऑल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिएगा और फिर बेल के बटन पर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए तो फिर आज के टिप्स देखते हैं। व्हीट ग्रास, 2 चम्मच व्हीट ग्रास के रस को आधा कप पानी में मिला लीजिएगा और इस घोल को अपनी बगलों पर धोने से पहले लगा लीजिएगा। इस घोल को उपयोग धोने के लिए लगा लीजिएगा बगल को। शरीर की दुर्गंध को रोकने के लिए आप इस जूस का सेवन भी कर सकते हैं। व्हीट ग्रास एक प्राकृतिक जीवाणुनाशक और है जो आपकी आम पेट से आने वाली गंदी बदबू को रोकता है। व्हीट ग्रास का जूस मार्केट में उपलब्ध है, आप चाहे तो वो भी पी सकते हैं। एप्पल सीडेड विनेगर एक स्प्रे में बोतल में 1 टेबल स्पून एप्पल सीडेड विनेगर और आधा कप पानी मिला लीजिएगा। इस मिश्रण को एक बोतल में डालिए, इससे एंटीस्पेरेंटेंट की तरह उपयोग में लाइए। इस उपयोग में लाने के लिए एक बोतल को अच्छी तरीके से हिला लीजिएगा। और एप्पल सीडेड विनेगर में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, प्राकृतिक एसिड पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया को नष्ट करता है। इस प्रकार से यह आर्मपिट में आने वाली बदबू को प्राकृतिक तरीके से रोकता है। आपको किसी महंगे डिओडोरेंट की इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। पेपरमिंट ऑयल, अपनी हथौलियों पर कुछ बूंदे ऑर्गेनिक पेपरमिंट ऑयल की ले तथा इसे अपने आर्मपिट पर लगाएं। यदि आपको किसी प्रकार की खुजली होती है तो इसे तुरंत धो डालिए, क्योंकि कुछ लोगों को इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अपनी हथौलियों को कुछ बूंदे ऑर्गेनिक पेपरमिंट ऑयल ले इसे अपनी आर्मपिट पर लगाएं। यदि आपको किसी तरह की खुजली हो रही है तो इसे तुरंत धो डालिए। आप ये याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।